यो-यो और मेरी एक अजीब सी हिस्ट्री है, पूरी दुनिया को पता है, होता है यार. बिल्कुल पंगे हुए थे जो शेर लोग हैं. जी हाँ, और क्या होता है, दो शेरों को आप साथ में एक केज में डालोगे तो टकराएंगे. बिल्कुल है कि नहीं. लेकिन आई हैव टू से दिस, ये इंसान जो है, सब ने अच्छी अच्छी बातें बोलनी. अब मैं एक बात बोलूँगा जो कि सच्ची बात है. एक इंसान में हिम्मत जो होती है ना, वो तब दिखती है जब वो इंसान टूट जाता है. हनी हैज सीन, और पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया ने अलग अलग खुसफुस खुसफुसाहट करके ये सोचा कि हनी कहाँ गया, कहाँ गया. द पॉइंट इज नॉट कि हनी कहाँ गया, द पॉइंट इज हनी यहाँ है और हनी हमारे साथ में रहेगा. दिस हैज टू बी डन ऑन नेशनल टेलीविजन. अरे अरे, एचआर गले मिल लिए. हनी भाई, ये जनरली आपसे प्यार करते हैं, पूरे सीजन में पहली बार आई शपथ. अब तो मैं भी मिलूंगा. आदि आजा आजा सर, आज तो देखो जो भी है, हमारा योयो हमारे बीच वापस आ गया है. आज तो फिर कोविड आए, आंधी आए, तूफान आए. यस एचआर, ओह माय गॉड, आई लव यू. देखो ये होता है, हमने यही कहा ना कि अब चाहे कोविड आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन यो यो हनी सिंह हमारे बीच से कभी नहीं जाएगा. क्या बात है सर, क्या बात है सर. नमस्ते, प्रणाम. कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, आप यहाँ पर आए इंडियन आइडल पर. बहुत बहुत धन्यवाद. बुलाया गया, वर्षों बाद बम्बई में आया हूँ. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने याद तो किया. सर आपने जो काम किया है, आपने जो गाने लिखे हैं, वो अमर हैं, वो हमारी जिंदगी और उसके आगे भी रहेंगे. जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आपके गाने रहेंगे सर. धन्यवाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, मुझ पर सर्वाधिक अनुकंपा रही, कृपा रही. वो दिन याद आते हैं बहुत अच्छी तरह. बहुत एक उड़ते हुए पंछी की तरह मैं यहाँ आता था और चला जाता था. रात रात भर जग के मैंने गीत नहीं, अपना खून से कलम से लिखा है ये सब कुछ. कलेजे से प्यारे भाई ने और लक्ष्मी जी ने प्रेम से उन्हें सवारा, तराशा. कितना अच्छा लगता है वो दिन याद करके. आज तो मेरे लिए कभी कभी ऐसा लगता है दिन भी रात हो गया. मैं जीने से जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह. और राम जी ने मुझ पर कृपा भी बहुत की थी, बहुत कुछ दिया भी था. सब कुछ कैसे चला गया, ये राम जी के कपाट किसने बंद कर दिए, मुझे आज तक पता नहीं है. 10 बरस बाद सुल्तान पैदा हुई, पहला लड़का. मैं भावुक हो गया हूँ, माफ करना. हम लोग पैदल जाते थे देवी यात्राओं पर, पहाड़ों पर, गर्मी में पीले कपड़े पहन के. साल भर बाद देवी माँ ने हमें प्रसाद दे दिया और उसी दिन मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. मैंने एक बात हमेशा कही है और वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं. मेरी टांग भी टूट गई, 4-4 बार टूटी, लेकिन मेरा कलेजा नहीं टूटा है. अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है. लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये मुझे ये था कि मैं अपनी कविता से दुनिया जीत लूँगा. अब आके लगता है कहीं तो संतोषानंद गलत था. आज मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, लेकिन जनता का प्यार बहुत है जी, बड़ा प्यार मिला. कुछ भी नहीं है,
तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी। हम करना अभी भी चाहता हूं, बहुत कुछ चाहता हूं, संतोष सर नमस्ते प्रणाम। आज आपको यहाँ पे देखकर हम सबको इतना गर्व महसूस हो रहा है। आपके लिखे हुए जो गीत हैं उनसे हम सब ने प्यार करना सीखा है, और आज अब मुंबई जब आ गए हैं तो मेरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबसे प्रार्थना है कि हम सर को खोने ना दें और सर को काम दें, उनसे गाने लिखवाएं। और सर मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है, बट सर एक छोटी सी भेंट आपके चरणों में ये मेरी तरफ से कबूल कीजिएगा सर। मैं कैसे करूं, बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूं, मैंने आज तक किसी से नहीं मांगा कुछ भी, आज भी मेहनत करता हूं, दूर दूर जाता हूं। सर ये आपकी आपकी आप ये समझिए कि आपकी पोती की तरफ से है। उसके लिए स्वीकार कर लूंगा। थैंक यू, बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एज अ कंपोजर मैं ये चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि कुछ आपके जो चहीते जो गीत होंगे जो आपके पास पड़े हुए होंगे मैं वो आपसे लेना चाहूंगा और कोशिश करना चाहूंगा कि वो रिलीज होगा। कोशिश करेंगे कि लोगों को याद दिलाएं कि संतोष आनंद जी क्या चीज है। अरे ये आपका बड़ा फन है। अरे भाई ये क्या कर रहे थे आपके गानों की वजह से एलपी को कहाँ से कहा लाया आप, कमाल है, बहुत सालों के बाद भी मिल गए, बहुत दिल भर गया मेरा। बहुत आगे भाई जी मेरे मेरे भाई जी। देखिए इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एज एन ब्रदर, एज एन पोएट, एज एन पर्सन, ग्रेट पर्सन संतोष आनंद। कुछ भी नहीं मेरी कहानी है। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलवाए तेरा नाचे।
कोई रोक ही नहीं सकता जब ये गाना बजता है। सर नमस्ते, सर नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर अजय अतुल जी। तीसरी बार लगातार इंडियन आइडल पर आकर आपने अपना हैट्रिक पूरा कर लिया है, तालियां। तो सर इस बार क्या अलग लग रहा है आप लोगों को? हर बार ही इंडियन आइडल में बहुत धमाकेदार टैलेंट आए हुए हैं, रति महारति बहुत यहाँ पे सुने गए हैं, इस बार कुछ बहुत ज्यादा है। बहुत ही ब्रिलियंट है सारे लोग, बहुत ब्रिलियंट। हम लोग पिछले 3 सीजन से आ रहे हैं, पर इस बार का जो टैलेंट है बहुत हटके है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आइडल जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से उसमें टैलेंट नया नया इंट्रोड्यूस करते जा रहा है ना, वो काबिले तारीफ है और उसको देखने के लिए आज हम आए हैं। क्या बात है सर, यू गाइज रिप्रेजेंट म्यूजिक। असली अगर म्यूजिक दिख जाए कभी तो वो अजय अतुल के चेहरे में दिखेगा। वाह, आप लोगों के लिए मामूली चक्कर नहीं है कि अजय अतुल के सामने आप लोग गाने वाले। इट्स अ वेरी 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 बिग डील। म्यूजिक में अजय अतुल की जो कसौटी है, मतलब इससे बड़ा शायद कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। और आज का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होना ही पड़ेगा। Absolutely. You are set. Absolutely. अब हम लोग बोलते आ रहे हैं कि दीज गाइज आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट, तो अभी द बेस्ट के सामने द बेस्ट गाएंगे, ऐसा है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय अतुल जी के लिए। श्वेता यहाँ आ चुकी है, मोहब्बत की गुजारिश हो चुकी है, तो फिर मुझे लगता है कि मेरी गुजारिश करने का टाइम आ चुका है। अरे सर कभी भी कीजिए सर। उदित जी मैं चाहता हूँ कि आप दीपा जी के लिए पहला नशा गाएं। और आदित्य मैं चाहता हूँ कि आप श्वेता के लिए पहला नशा गाएं। और वो पहला नशा वाला मोमेंट जी सर पहला नशा हो जाए। क्या बात है, तो आइए आइए मम्मी जी पापा जी एंड श्वेता जी। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। क्या बात है, के साथी प्यार का मुझे चुन लिया चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, है दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिल
पहला नशा पहला खुमार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.